जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत मोबाइल चोरी की शिकायतें दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने खोज कर मोबाइल ढूंढ निकाले और शिकायतकर्ताओं को पुलिस थाने में बुलाकर स्वागत कर उन्हें मोबाइल वापस किए हैं। जिनमें 6 शिकायतकर्ताओं को ये मोबाइल वापस किए गए। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 5 इनके मार्गदर्शन में की गई है। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जरीपटका क्षेत्र में इतने अच्छे सुनील भैया जो है, जितने भी लोग रोते हुए आते हैं कि हम उनका मोबाइल चोर लेते, और आज सुनील भैया ने 26 मोबाइल लेकर आए हैं इन चोरों से, और उन लोगों को खुशी खुशी यहाँ से सम्मानित करके भेजा जा रहा है। जो गरीब लोग बहुत कम पैसों में मतलब कैसे भी करके गुजारा करके अपना एक मोबाइल लेते और चोर उसको चोर लेते, और हमारे साइबर सेल के सुनील भैया जो है वो इतने अच्छे तरीके से लोगों का मोबाइल लेकर आते हैं, मतलब चोरों को पकड़ते उन मोबाइल को ढूंढते हैं और उनको लाकर वापस कर रहे हैं। मतलब जो रोता हुआ इंसान आता है उसको खुश करके भेजने का काम हमारे सुनील भैया कर रहे हैं, और उनको हम धन्यवाद किए, हमने उनको गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किए। और ऐसे लोगों को सभी समाज के सभी लोगों ने सम्मानित करना चाहिए जो लोगों को खुश करते हैं और उनकी जो चीजें घूम जाती है उनको ढूंढ के देने का काम सुनील भैया जो कर रहे हैं। दिनांक 29/1/2021 रोजी पुलिस इथे प्राप्त झालेले मिसिंग मोबाईल अर्जवरून अर्जदारांचे मोबाईल मिसिंग झालेले शोधून आणून त्यांना पोस्टेला बोलावून त्यांचे स्वागत करून त्यांना परत करण्यात आलेले आहे। सदरची कामगिरी ही माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ क्रमांक 5 यांचे मार्गदर्शनाखाली माननीय उपनिक पोस्ट जरीपटका नागपूर शहर तसेच सहायक पोलीस आयुक्त जरीपटका विभाग नागपूर शहर यांचे मार्गदर्शनाने झालेले आहे। आमच्या कामामध्ये मला मदत करणारे अमित चौरे, गौरी हेडाऊ तसेच पोलीस स्टेशनचा स्टाफ यांच्या सहकार्याने, तसेच परिमंडळ क्रमांक 5 या ठिकाणी कार्यरत असलेले पोलीस शिपाई उपेंद्र आकोटकर यांच्या सहकार्याने सदरचे मोबाईल ट्रेस करून देऊन ते मी परत आणून अर्ज परत केलेले आहेत। लोकांना एवढा संदेश देऊ इच्छितो की पोलिसांमध्ये जे काही मोबाईल वगैरे हरवतात त्यावर योग्य प्रकारे काम करून ते त्यांचा शोध वगैरे घेऊन ते अर्ज परत करण्यात येतात।